पहले बचपन में फुटबॉल खेला करता था और लेकिन उसके बारे में अभी इतनी चिंता नहीं कर रहा, लेकिन इस लड़के की वजह से उसको थोड़ा फुटबॉल में वापस इंटरेस्ट होता है और वो इनकी फैमिली से थोड़ा जुड़ने लगता है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो उसमें चेंजेस आती हैं उसके बारे में ये फिल्म है। हमेशा आप एक अलग अलग किरदार में नजर आते हैं, हमेशा कोई नया करते हैं, इस बारे में क्या क्या अलग डिटेलिंग करनी पड़ी और क्या अलग तरीके करना है? मेरे को बहुत बोरियत होती है जब मैं जब मुझे एक ही टाइप का किरदार अगर कोई मुझे नरेट करता है तो मैं वैसे ही मना कर देता हूँ, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है मनीष के ऊपर क्योंकि उनके साथ मैंने एक इसक जो फिल्म उनकी है उसमें मैंने एक नक्सल लीडर का रोल किया था और उनको भी मालूम है कि मुझे एक ही चीज़ करना बार बार मुझे पसंद नहीं है, सो इस बार भी उन्होंने एक बहुत ही अलग किस्म का रोल मुझे ऑफर किया है जिसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने जितना उन्होंने लिखा है तो मैं उसका जस्टिफाई कर सकूँ। ये सीन बेसिकली एक एस्टेब्लिशमेंट सीन है ऑफ डिफरेंट पीपल विद देयर डिफरेंट बैकग्राउंड्स और इसमें जिस तरह से एक चीज़ दिखा रहे हैं वो लोग, इट्स अबाउट शोइंग गोविंद नामदेव जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ और मेरा इस नए फैमिली के साथ जुड़ने का एक ज़रिया है ये पूरा एंटायर सीक्वेंस अबाउट हाउ आई बिकम क्लोज टू दीज पीपल। मेरा नाम विभा है और ये बिहार से हैं और अभी अभी शायद मुंबई की तरफ रवाना हुई है और यहाँ पर नौकरी ढूंढते ढूंढते वो किसी घर में काम करती हैं, उनका बेटा है जो फुटबॉल का शौक रखता है। अब विभा जो बिहार से आई है वो सिर्फ बिहार से नहीं लौटी बल्कि वो शायद भागी हुई है, वो हर एक साल 6 महीने में वो दूसरा शहर चली जाती है, उसकी एक बैक स्टोरी है जिसके बारे में ऑफकोर्स मैं अभी नहीं बता सकती और यहाँ पर वो किसी घर पे काम करती है और जो बेटा है वो हमेशा फुटबॉल खेलना चाहता है, उसी तरह लाइफ लाइट में आना चाहता है, कहीं छिपना चाहती है, उसे लगता है कि मुंबई की भीड़ में शायद उससे छिपने की जगह मिल जाए, इनकी अपनी एक कहानी है। बड़ा मुश्किल था, एक तो बड़ा बहुत ही, हाँ नहीं बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत भाषा है, एक तो जिस तरह से बोली जाती है वो एक कांदे ज़्यादा है, वो एक अच्छा सा एक म्यूट है उस लैंग्वेज में जो पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश जारी है और वो कर रहे हैं। ओके सो क्या थोड़ा बताइए अपने स्किल्स के बारे में, बताइए सीन के बारे में, ये आज जो सीन कर रहे हैं वो गणपति गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशंस हैं और गणेश जी आ रहे हैं और पूरा जो चौल का माहौल है वो सेटल हो रहा है, जितने कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर और अलग अलग इक्वेशंस भी आपको नजर आएंगे, तो बेसिकली या इट्स एन इंट्रोडक्शन फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई देखना अपने सामने है जी, जी सवाल की तरफ से ओके चलो जी। मेरा नाम ऋत्विक साहोर है, मैं इससे पहले कुछ फिल्म्स कर चुका हूँ, फरारी की सवारी में आपने मुझे देखा होगा कायो के रोल में, अभी मैंने दंगल की है और ये फिल्म कर रहा हूँ। दंगल में क्या रोल? दंगल में मैं आमिर खान के नेफ्यू का रोल प्ले कर रहा हूँ, कॉमिकल कैरेक्टर। इसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, एक बच्चा है जो अपनी मम्मी के साथ बिहार से आता है और यहाँ मुंबई में आते हैं, उनका एक अलग पास्ट है पूरी फैमिली का और यहाँ शिफ्ट होते हैं और फिर क्या लाइफ है कैसे है, उसको फुटबॉल पसंद है, क्या अचीव करता है वो फुटबॉल में वो पता चला। फुटबॉल खेलना सीखने सीखा आपने कहीं से, कोचिंग की है? फुटबॉल मैं स्कूल टीम में खेलता था और स्कूल टीम में खेलता था, बिल्डिंग में फ्रेंड्स के साथ खेलता था, तो फुटबॉल वैसे मुझे खुद बहुत पसंद है तो फुटबॉल तो चलते रहते, तो और ये फिल्म के लिए भी थोड़ी ट्रेनिंग ली है मैंने, दो कोच हैं हमारे तो उनसे ट्रेनिंग ली थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।